अगर जब गुर संगे खाने का मन नहीं करे, जैसे खात खात मन भाग जाता है, तो क्या करना है? तो क्या करना है, एक टमाटर ले लेना, प्याज काट लेना, उसमें हरा मर्चा काट लेना, और उसके बाद नींबू थोड़ा है तो नींबू गार कर उसको खाना है। उसको करने के बाद कम से कम सुबह में एक सेव, देखिए मैं लिया कर धो दिया हूँ, सुबह में एक सेव लेना है और दो केला। केला ख़त्म हो गया है मेरे पास अभी, है नहीं तुम दिखाए थे, ये लेना है रोज़ सुबह। आज यदि अनार है तो एक अनार सुबह में रोज़ खाया करो। उसके बाद एक ओशोगंधा पाउडर आता है जो मार्केट में लगभग हर एक जगह मिल जाएगा। उस अच्छा उसको हम डिब्बा दिखा दे रहे हैं, देखिए ये ओशोगंधा पाउडर है, मेडिकल पर उपलब्ध रहता है। जाइएगा बोलिएगा कि ओशोगंधा पाउडर चाहिए। ओशोगंधा के टैबलेट भी आता है, तो टैबलेट मत लेना, पाउडर ले लेना। इसका प्राइस 135 रुपये दाम है इसका। देखिए अब क्या करूँ भाई, अकेले वीडियो बना रहा हूँ, कोई है नहीं मेरे पास अभी। ये अश्वगंधा पाउडर हो गया, इसको मार्केट में ले लेना, कहीं भी मिल जाएगा। आ इसको पीना है अपना कैपेसिटी के हिसाब से, एक चम्मच या आधा चम्मच लेना है, आधा गिलास सुसुम पानी या सुसुम दूध के साथ लेना है रोज सुबह एक टाइम एक टाइम। इससे क्या होता है ना कि जो थकावट है ना, थकावट दूर करता है, और शाम में दौड़ते समय यानी बॉडी में फुर्ती आता है, फुर्ती जस्ट मतलब बुझाता है कि ना शरीर में कुछ है, तो ये थकान भी दूर करता है, उस बॉडी में फुर्ती भी लाता है। इससे कोई नुकसान नहीं है। आप दूसर भी कोच उसके देख लेना या दूसर रनर वनर करीब इसको लगभग बताएगा, तो इसको लेना है। चलिए मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ, ये हो गया, देखिए ऐसा होता है पाउडर। अकेले वीडियो बनाया हो, उतना वीडियो फ्रेश नहीं आया है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। बहुत भाई फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई एक डाइट पर वीडियो बनाओ, सोचा कि ना डाइट पर एक वीडियो बनाया जाए। तो सुबह के डाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो सुबह के डाइट के बारे में क्या करना है, बाज़ार में जाना है। आपको क्या सोयाबीन की बिया बोला जाए तो सोयाबीन की बिया ले लेना, उसके बाद मूंग के दाल, खाड़ा दाल मतलब, हाँ, उसके बाद बादाम, बादाम के बाद चना। क्या करना है, इसको शाम में सोते समय इसको पानी में दो पानी धो देना, साफ़ हो जाए यानी, उसके बाद फुला देना। और दौड़ के आने के बाद उसका क्या करना कि पानी जो है ना, जिसे उसमें 1.5 गिलास पानी डालना, तो क्या होता है कि आधा गिलास सूख जाता है, फूल जाता है, और 1 गिलास पानी बचता है, तो उसको सुबह छान कर पानी को 1 गिलास पी लेना। इसको रोज सेवन करना है। देखिए इसमें सब फुला दिया गया है, ये हो गया सोयाबीन के बिया, ये वाला, ये चना हो गया, और ये बादाम हो गया, और ऐसे मूंग के दाल मेरे पास ख़त्म हो गया, इसलिए नहीं फुलाया हूँ। तो क्या करना है कि छानली से छान देना है। देखिए इसको छान दिया, ये हो गया हमारा सोयाबीन के बिया
चना और बादाम, और इसके बाद क्या करना है, इसको हटा कर एक गिलास का पानी एकदम सर्द ना पी जाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देख लिया, एक गिलास के पानी मैं पी गया। उसके बाद क्या करना है, एक भेली गुड़ लेना है। देखिए मैं इसमें गुड़ डाल दिया, गुड़ अब गुड़ के साथ है खाऊंगा। ये हो गया।